अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना बीबी एंड माय रोल नंबर इज़ 18363। मेरा जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो है चाइल्ड केयर ऐप, मतलब कि किसी भी चाइल्ड की हम केयर कैसे करते हैं, अगर वो एक वीक में उसकी केयर कैसे करते हैं, जब वो दो वीक का हो जाता है तब कैसे करते हैं, एक मंथ का हो जाता है तब, और जब एक साल का हो जाता है तो किसी भी हम बच्चे की केयर कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे हमें पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना होगा, उसे ओपन करना होगा, वहाँ पे चाइल्ड केयर के नेम से क्लास क्रिएट करनी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे आना होगा ऐप, उसके बाद जाना होगा मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट के बाद जावा में, और इसकी जो पहले वाली है ना कॉम डॉट एग्जाम्पल चाइल्ड केयर, इसमें जाना, इस एक्टिविटी में जाना। तो हमें ये जो सब एक्टिविटीज़ जो हमने इसमें प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की हैं वो हमें मिल जाएंगी, और इसके बाद हमने इसके लिए जो लेआउट्स यूज़ किए हैं वो इन लेआउट्स में जाके हमें मिलेंगी, जिस तरह अर्ली लेआउट, इन फैंसी लेआउट, लेट, मैन, एग्जामल, ये वाली, इनको हम यूज़ करके हम चाइल्ड केयर ऐप बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए यूज़ करते हैं स्प्लैश एग्जामल, स्प्लैश एक्टिविटी। सबसे हम इधर जाएंगे, इसमें हमारा जो कोड होगा वो ये आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको बनाने के लिए लेआउट की विड्थ देंगे, मैच पेरेंट होगी, हाइट भी मैच पेरेंट होगी, उसका कॉन्टैक्ट होगा। स्प्लैश एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करें तो वो हम देंगे कॉन्स्टेंट स्प्लैश एक्टिविटीज़, के बाद इसकी ओरिएंटेशन देंगे, ग्रेविटी देंगे। इसके लिए हमने एक इमेज व्यू यूज़ किया है और एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है। इमेज व्यू में हम इसकी विड्थ देंगे, हाइट देंगे, विड्थ 20 dpi देंगे और हाइट भी 20 dpi। इसके बाद इसकी ये पिक्चर जो हमने इसमें लोगो यूज़ किया है ये वाला चाइल्ड केयर के लिए वो देंगे, और उसके बाद हमने इसमें कलर वाइट यूज़ किया टेंट तो वो देंगे। उसके बाद टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे, उसमें इसी तरह जैसे पीछे बताया विड्थ, हाइट, ग्रेविटी, सेंटर हम इसकी रखेंगे, मार्जिन 20 dpi का होगा, और टेक्स्ट चाइल्ड केयर ऐप बनानी तो टेक्स्ट हमारा चाइल्ड केयर होगा, साइज़ 30 dpi होगा या SP, जो भी आपकी मर्ज़ी, जो भी आप SP लिखते हैं या dpi। आगे टेक्स्ट स्टाइल हम इसका बोल लिख देते हैं, और ये लीनियर लेआउट है, ये हमने ये डिज़ाइन किया है इसको स्प्लैश एक्सएमएल में। इसके बाद इसकी स्प्लैश एक्सएमएल इस स्प्लैश एक्टिविटी में ऊपर जाते हैं, स्प्लैश एक्टिविटी में ये स्प्लैश एक्टिविटी यूज़ किया है, इंटेंट हमारे इधर क्या है, स्प्लैश एक्टिविटी। तो इसी तरह हम दूसरी में जाते हैं, दूसरी है मेन एक्सएमएल, मेन एक्सएमएल में हम गए तो वहाँ पे हमने ये इसमें सबसे पहले इधर रहते हैं, तो इसमें भी हमने इसी तरह इसमें रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, इसमें हमने उसको भी विड्थ दी, हाइट दी, मैच पेरेंट विड्थ भी, हाइट भी, उसका ओरिएंटेशन भी, और इसी तरह हमने इसमें भी लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे, उसको भी हम विड्थ देंगे, हाइट देंगे, बैकग्राउंड देंगे, उसकी ग्रेविटी सेंटर रखेंगे, ये जो हमने ये रखी है। उसके बाद इसमें एक हम इमेज व्यू यूज़ करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे, टेक्स्ट व्यू में हम उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन, dpi, फॉन्ट, फैमिली, टेक्स्ट वगैरह देंगे। इसी तरह हम एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे इसमें, इस तरह हमने इसमें अब हमने ये बटन भी यूज़ किए, 1 2 3 4 5 बटन की हम इसमें कोडिंग करेंगे, सेम हर बटन में हम करेंगे, सबसे पहले विड्थ, हाइट, मार्जिन, बॉटम, लिफ्ट, राइट, बैकग्राउंड, वही सब होगा, और उसके बाद हम रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट को क्लोज कर देंगे। और सेम इस तरह हम पहले इसमें गए थे, तो अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में, पहले मेन एग्जाम्पल में गए थे, हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे। इसमें इसकी मेन इंटेंट मेन एक्टिविटी है, तो ये न्यूट्रल एक्टिविटी हो जाएगा, इसमें हमने इसका इंटेंट क्या रखा है, मेन एक्टिविटी, तो ये फैंसी एक्टिविटी हो जाएगा। इसके बाद ओवरराइड के बाद इंटेंट मेन एक्टिविटी, ये अर्ली एक्टिविटी में कन्फर्म हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरह इंटेंट एक्टिविटी, मिडिल एक्टिविटी, लेट एक्टिविटी में करेंगे, और इसी तरह हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, जो ये है वाली नेक्स्ट एग्जाम न्यूट्रल एग्जाम में गए। तो इसमें हम आप ये हमने जो भी बच्चे की केयर के लिए हम जैसे अगर 30 वीक से 40 वीक एक वीक के दरमियान हम उसके लिए ये चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके कोड में रिलेटिव लेआउट में जाएंगे, उसी तरह हम उसकी विड्थ देंगे, हाइट देंगे, बैकग्राउंड, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट कंटेंट,
इस तरह लीनियर लेआउट इसी में भी यूज़ करेंगे। इसको भी डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले विड्थ हाइट बैकग्राउंड देंगे, इसमें हम बटन यूज़ करेंगे, एक एक स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे और बस एक एंड पीस को लीनियर लेआउट और स्क्रॉल व्यू ये सब कुछ क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट व्यू में दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं तो सब में वही विड्थ हाइट रैप कंटेंट मार्जिन जो मार्जिन 20 dpi मैंने दिया है और इसमें टेक्स्ट मैंने लिखा है मदर मिलक इज़ दी इम्पोर्ट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। उसके पास टेक्स्ट कलर दिया है, टेक्स्ट साइज दिया है, इसका 80 SPI है। देन इसी तरह हम इसके जाएंगे नोटल एक्टिविटी में जाएंगे और इसी तरह ये हम इसके लिए ये है कि न्यूट्रल एक्टिविटी जाएंगे तो जो हमने पीछे डिस्कस किया वो ही है। इसके बाद इन फैंस एक्सिमल में जाएंगे हम सेम इसी तरह, तो वहाँ पे भी हम इसकी कोडिंग इसी तरह से करेंगे। रिलेटिव लेआउट में जाएंगे, लीनियर लेआउट बनाएंगे, उसके लिए बटन एक यूज़ करेंगे, एक स्क्रोल भी यूज़ करेंगे और लीनियर लेआउट उसमें हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे 4, 5, 6, 7 हम इसमें टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लीनियर व्यू एक इसमें इमेज व्यू यूज़ करेंगे, टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और इसी तरह हमने ये हम 2 weeks से 3 months के लिए अगर हम बेबी को किस तरह उसकी केयर कर सकते हैं, फिर इस तरह 4 months से 7 में हम उसकी किस तरह केयर कर सकते हैं, उसके लिए हमने जो भी टेक्स्ट व्यू यूज़ किया वो सारी ये कोडिंग है। टेक्स्ट व्यू इमेज व्यू में हम कोड वगैरह उसमें सबसे पहले हम विड्थ उसकी देंगे, हाइट देंगे, उसका मार्जिन dpi सेम उसी तरह हमने जैसे उसको डिज़ाइन करना उसमें क्या क्या यूज़ किया वो सब। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जाते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी में, सेम इसी तरह हम आगे नेक्स्ट अली एग्जामिन इसमें भी हम उसी तरह ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जब बच्चा मतलब कि 1.5 साल से 5 साल के दरमियान में हम उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, उसका वेट इतना होना चाहिए नॉर्मल उसकी उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे वो क्या पसंद करता है, उसकी वर्ड ऑफ फैंसी दैट वे शी मेक स्टोरीज वो कैसे बिलीव करती है, वो किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। सेम इसी तरह उसमें भी हम एक बटन यूज़ करेंगे, स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे और लीनियर लेआउट में एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और इसी तरह एंड पे हम उसको क्लोज कर देंगे, इमेज भी यूज़ करेंगे। इन सब में हम जैसे उनको डिज़ाइन करना हाइट विड्थ मार्जिन लेआउट जो भी हम जितने अपने हिसाब से देना चाहते हैं वो हम देंगे। जैसे मैंने इधर 20 dpi दिया तो इधर 15 dpi दिया, इसी तरह सेम। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी है मिडल एग्जामिन में जाएंगे। मिडल एग्जामिन मतलब कि हम ये एक इंफॉर्मेटिव ऐप है कि हम इसमें बच्चे की केयर को किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट ये है मिडल चाइल्डहुड स्टेज के उसमें बच्चे को हम 6 से 10 ईयर के बच्चे की हम केयर कैसे कर सकते हैं, उसमें उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, उसकी फूड्स वो क्या कुछ खाता है। सेम इसी तरह हम इसमें बटन यूज़ करेंगे, स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे और टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और टेक्स्ट व्यू में हम उसकी हाइट विड्थ मार्जिन सब कुछ देंगे। नेक्स्ट इस तरह हम उसे क्लोज कर देंगे। सेम इस तरह एंड वाली एक्टिविटी है लेट एग्जामिन। ये लेट एग्जामिन एक्टिविटी में हम लास्ट चाइल्डहुड स्टेज जब बच्चा 11 से 13 साल की एज में होता है तो हम उसमें उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। इसमें भी हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे और उसमें हम बटन एक यूज़ करेंगे, स्क्रॉल व्यू यूज़ करेंगे, एडिट टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और टेक्स्ट व्यू में हम उसकी विड्थ हाइट जितने हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे और डिज़ाइन के हिसाब से हम उसको विड्थ हाइट देंगे और टेक्स्ट हम वो देंगे जैसे मैंने इधर टेक्स्ट दिया है कॉम्स आर ग्रेट चेंजेस फिजिकली एंड मेंटली, मतलब कि फिजिकली उसमें क्या चेंजेस आते हैं, मेंटली चेंजेस क्या आते हैं। देन इसी तरह हम लीनियर लेआउट में इमेज व्यू यूज़ करेंगे, टेक्स्ट व्यू, देन क्लोज कर देंगे। इस तरह मेन एक्टिविटी उसमें जाएंगे, लेट एक्टिविटी में ऊपर जाएंगे क्योंकि पहले हम लेट एग्जामिन में गए थे वहाँ पे कोड डिज़ाइन किया था। सेम इस तरह एंड देन इसको रन कर देंगे और ऐप रन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।